समय समय पे जब जब पृथ्वी पे ये कलयुग का भार बढ़ा, युगांतरांतर बढ़ा, तब तब अवतार हुए ही है। और दूसरा आपको मैं ये चीज एक बार स्मरण कराना चाहूंगा कि जितनी बार जो युग आएगा ना, उस युग में भी चार युग अंदर आएंगे, युगांतरांतर आएंगे। कैसे आएंगे? सत्युग आएगा, तो सत्युग में सत्युग 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 त्रेता सत्युग द्वापर सत्युग कलयुग। सत्युग में जब कलयुग आएगा ना, तब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप होंगे, फिर त्रेता सत्युग त्रेता 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 द्वापर त्रेता कलयुग। त्रेता में जब कलयुग आएगा ना, तब त्रेता में कुंभकर्ण और रावण आदि होंगे। उसके बाद क्या होगा? द्वापर सत्युग द्वापर त्रेता द्वापर 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 कलयुग। द्वापर में कलयुग आएगा, तब जाके ये दंत वक्र शिशुपाल कंस जरासंध आदि दुर्योधन आदि सब होंगे। तो जब द्वापर में कलयुग आएगा तभी होगा, तब भगवान का अवतार होगा। तो जब जब कलयुग आएगा तभी प्रभु का अवतार होगा। और कलयुग आएगा तो कलयुग में भी क्या व्यवस्था बनेगी? कलयुग सत्युग कलयुग त्रेता कलयुग द्वापर कली कली। तो जब कलयुग कलयुग आएगा तब जाके कल की अवतार होगा, अभी नहीं होगा। अभी जितनी बार जो जो युग पूरे होंगे तब तक अवतार होगा। आप देखो, मैं तो लोगों को हमेशा कहता हूं, भारतवर्ष ऐसा चमत्कारी देश है कि जिसमें देवता और अवतारों के अलावा जितने भी धर्म प्रवर्तक हुए हैं सब गुरुजन ही हुए हैं। चाहे वो गुरु नानक हो, गुरु गोविंद सिंह हो, बुद्ध भगवान हो, महावीर जी हो, कोई भी हो, ये सब अंततोगत्वा तो गुरु ही हैं। प्रभु कब कब पधारे? प्रभु तो नहीं पधारे, प्रभु छल्ले जो पधारे तो कृष्णावतार में पधारे और बाद में बुद्धावतार में आवेशावतार शक्त्यावेशावतार मान के जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ वहां से प्रभु का अवतार माना जाता है। जब तक वो केवल शुद्धोधन पुत्र थे तब तक उनको नहीं, शाक्य मुनि को नहीं मानते हमारे अवतार। केशव धृत शुद्ध शरीरम, बुद्ध शरीरम नहीं, केशव धृत शुद्ध शरीरम। मूल पाठ भेद देखो वहां पे, ये पूरी अष्टपदी है, इस पे गुसाई जी की टीका है। गुसाई जी ने टीका में स्पष्ट किया है केशव धृत शुद्ध शरीरम। जब तपा पूत हो के सत्वा संजायते ज्ञानम से, जब सम्यक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और बुद्ध में बुद्धत्व आया तब जाके उनके अंदर प्रभु का अवतार तब माना गया है। इसलिए वो आवेशावतार शक्त्यावेशावतार है। तो बुद्ध में भी बुद्धत्व की प्राप्ति से विष्णु के अवतार की गणना की जाती है, तब तक नहीं की जाती। तो एक चीज को समझ के चलो कि अभी जो चल रहा है ना वो बुरा टाइम नहीं चल रहा है, अभी बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। ये सत्युग कलयुग चल रहा है, मतलब कलयुग सत्युग। तो अभी तो कलयुग त्रेता आएगा, कलयुग द्वापर आएगा और जब कली कली आएगी, मैं और आप तो तब तक है नहीं, अपने को क्या चिंता उस समय की। लेकिन अभी जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति में इतनी सब बातों को सुन के आपको ये तो लगा होगा कि ये सब चीजों का प्रत्यक्ष दर्शन हम कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल पे हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल लेवल पे हो। अब इतने सारे यदि लेवल्स अपने खराब चल रहे हैं, सारे पैरामीटर्स अगर विपरीत चल रहे हैं इस समय, तो इस समय क्या चीज ऐसी है कि जो चीज अपने को इन सब से बचा सकती है? पहली वस्तु है आध्यात्मिकता और दूसरी वस्तु है आदिदैवी। क्योंकि ये जितने भी सिंड्रोम्स ऑफ, मतलब जैसे हम कहते हैं ना इम्यूनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो जितने भी हमने गिने कि जिसने हमारी सब लेवल पे हमारी एक इम्यून सिस्टम को बिगाड़ दिया, सांप्रदायिक इम्यूनल सिस्टम, सोशल इम्यूनल सिस्टम, रिलीजियस स्पिरिचुअल इकोनॉमिकल एग्रीकल्चरल सोशल पॉलिटिकल जितने भी लेवल्स पे, ये सब अंततोगत्वा आदि भौतिक स्तर की समस्याएं हैं, ये आध्यात्मिक स्तर की नहीं बन पा रही है। अभी भी आध्यात्मिक स्तर अपने हाथ में है, आदिदैविक स्तर अपने हाथ में है। ये परिस्थितियां जितनी भी हैं ये कहां प्रकट होंगी? मटेरियलिस्टिक लेवल पे होंगी। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर नॉट सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। और इंडियन फिलॉसफी ह्यूमन हिस्ट्री को जिस ढंग से देखती है और ह्यूमन साइकोलॉजी को जिस ढंग से देखती है, इंडियन फिलॉसफीज हमारी सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट करती हैं, ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करती। तो जब हम सब्जेक्टिव ढंग से आध्यात्मिक परिपेक्ष में और आदिदैविक परिपेक्ष में गुरु प्रदत्त आज्ञानुसार अपने को यावत प्राप्त अधिकारानुसार धर्म के आश्रय में खड़े रहेंगे, तब तक ये सब चीजें हमको बाधा नहीं करेंगी। इन्हीं कारणों से धर्मशास्त्रों में धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो व्यधित। फर्स्ट, सेकंड, मां भगवान का वचन, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नराम। तीसरा, महाप्रभु जी का वचन,
धर्मा धर्माग्रदर्शनम, अग्रदर्शन करो धर्म का, कहां तक करने पर वो धर्म है, कहां से आगे बढ़ जाने पर वो ही क्रम अपना अधर्म रूप हो जा रहा है। तो ये सब चीजों को सिस्टमैटिकली अपने को एनालाइज करके, इनको इनके स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करके, अपने जीवन में ये कहां कहां किस रूप में इफेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीजों की एक एनालिसिस तैयार करके, एक प्रकार का डेटाबेस बना के अपने गुरु के पास बैठ के ये चीज समझने की है कि ये मेरी सोशल परिस्थिति है, ये मेरी स्पिरिचुअल परिस्थिति है, ये मेरे रिलीजियस कंडीशंस है, मेरे आजू बाजू में ऐसा एनवायरमेंट है, मेरे पास इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज है, मैं क्या करूं, मुझे आप डायग्नोस करो, प्रिस्क्राइब करो, सजेस्ट करो और ऑर्डर करो कि एज अ वैष्णव मुझे इनमें से कितना धर्म चयन करना, कितना धर्म नियम पूर्वक ग्रहण करना, कितने धर्म का जीवन में मेरे को संग्रह करना और उसका जीवन भर यापन करना। ये सब चीजें एक जिस प्रकार से डॉक्टर के पास, सीए के पास, लॉयर के पास बैठ के आप अपनी अपनी उन उन कंडीशंस को समझते हो, आपके टैक्सेशन को समझते हो, आप जिस ढंग से अपने हेल्थ को समझते हो, जिस ढंग से अपनी वेल्थ के मैनेजमेंट को समझते हो, जिस ढंग से आप अपने लॉयर के पास प्रोज एंड कॉन्स अपनी कोई भी समस्या का आप डिस्कस करते हो, जब तक इस ढंग की एक पर्सनल कंसल्टेंसी आप अपने गुरु के साथ नहीं करोगे ना, आपको ये शास्त्र बेनिफिट नहीं देंगे। शास्त्र आपको तभी बेनिफिट देंगे जब आप उनको अपनी अधिको धर्म में 252-84 वैष्णवों में क्या कोई स्टैंडर्डाइज्ड एक जनरलाइज्ड ग्लोबल यूनिवर्सल डॉक्ट्रिन महाप्रभु जी ने निकाल के सबको एक साथ पकड़ा दी क्या? यस्य कस्य तरोर तरोर मूलम ये न किए न प्रपेशयेत, यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति, हुआ क्या संप्रदाय में कि कहीं से भी कोई जड़ी बूटी उखाड़ लाए, उसको किसी भी की चीज का घोल दी, जो समस्या वाला आया उसको एक साथ औषधि पकड़ा दी और कहा जो होना है वो हो? नहीं, हर व्यक्ति को इंडिविजुअल ट्रीटमेंट दिया गया, हर व्यक्ति की इंडिविजुअल कैपेसिटी, उसकी परिस्थिति, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, इन सबको गुरु ने स्टडी किया, उसको एनालाइज किया, चेक किया, अपने ढंग से उसको री इन्वेस्टिगेट किया और फिर उसको सजेस्ट किया कि तेरे लिए इतना ही धर्म श्रेयस कर, श्रेय मतलब मोक्ष, मोक्षार्थ तू इतना ही धर्म कर। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आज अपन को अपनी बातें दिल खोल के अपने गुरु से कहनी पड़ेंगी कि मेरी ये परिस्थिति में मैं एक अच्छा पुष्टिमार्गी जीवन कैसे जीऊं। क्यों ये करना पड़ेगा? क्योंकि देयर इज नो इंस्टीट्यूशन प्रॉपर इन अवर संप्रदाय विच कैन एजुकेट यू प्रॉपरली बाय एन एजुकेशन बोर्ड एंड सिलेबस, नॉट येट, टिल नॉट येट डिफाइंड। अभी तक तो कोई भी प्रकार से बना हुआ नहीं है जहां पे आके आप पुष्टिमार्गी फिलोसफी में प्रॉपरली ग्रेजुएट हो, एमए हो, डॉक्टरेट हो, ये सब हो, और हैं भी तो वहां तक लोगों का एक्सेस नहीं है, वहां तक लोगों की अब उम्र नहीं है, वहां तक लोगों को अब वो ढंग की अब चाहना नहीं रह गई। अब हर व्यक्ति को लगता है मैं मेरे जीवन में धर्म की तरफ जब आया हूं तो ऑलरेडी उत्तरार्ध में हूं, अब मैं ये वापस रीस्टार्ट कैसे करूं? अरे भाई, इसी कारण से तो प्रहलाद जी ने सबको कहा था कि कौमाराद आचरे धर्म, कुमार दशा से ही तुम धर्म का आचरण करना शुरू कर दो। पर हमने न कुमारता में सोचा, न किशोरता में सोचा, न वयस्क होके सोचा, न प्रौढ़ होके सोचा। अब वृद्धावस्था में वार्धक्य के पास आया तब आदमी को होता है अब मैं थोड़ा धर्म कर लूं तो अच्छा। अरे जब सारी इंद्रियां शिथिल पड़ी तब तुमको धर्म सूझ रहा है? जब इंद्रियवान थे तब तुम इंद्रिय जीत क्यों नहीं हुए? और तब तो इंद्रिय जीत हो गए थे, तब तो मेघनाद हो गए थे, मेघ जैसा गर्जन करते डोलते थे, वर्षा करते नहीं थे कोई पे भी कोई प्रकार की। अब तुमको बड़ा धर्म सूझ रहा है, अब धर्म तुम्हारे मदद नहीं कर सकता, अब तुम धर्म की क्या मदद कर सकते हो वो सोचो। लेकिन मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं कि क्योंकि अगर पहले से बचपन से पुष्टिमार्गीय पाठशाला, पुष्टिमार्गीय स्कूल, पुष्टिमार्गीय कॉलेज, पुष्टिमार्गीय यूनिवर्सिटी, इसमें चाहे आईसीएसई के साथ, सीबीएसई के साथ, स्टेट बोर्ड के साथ हम बराबर पढ़े होते, जहां हमको गीता, रामायण, महाभारत, भागवत जी, ये सब के साथ षोडश ग्रंथ आदि सांप्रदायिक ग्रंथ पढ़ाए गए होते और साथ में हमने एकेडमिक्स भी हमारा पढ़ा होता तो हमारे में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। परंतु हम तो अब बड़े हो गए, हमने धर्म को पढ़ा ही नहीं, धर्म को सुना ही नहीं, धर्म को अब जिए कैसे? जिस चीज को पढ़ा ही नहीं, जिस चीज को जाना ही नहीं, उसको अब जिए कैसे? इसलिए अब एक पर्सनल कंसल्टेंसी की डायरेक्ट सीधा अपने गुरु से अपॉइंटमेंट लेके अपने इस एक जीवन की हमारी नित्य क्षणभंगुरता को ध्यान में रखते हुए गुरु से कंसल्ट करना बहुत जरूरी हो गया है कि गुरुदेव अब आप बताओ, आप ही मेरे तारक हो। तो वो बस वही बात आ जाती है कि साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं ना कि गुरुना कर्ण धारेण उत्तार्या स्वोपदेश,
अब तो गुरु अपने स्व उपदेश से ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं, तो गुरु के पास जाओ और जाके बोलो देहद्रोणिया यासु नाम परम पारम भवाम्बुदे, अब मुझे भवसागर पार करना है, मुझे वापस ये जन्म मरण के 84 लाख योनि के चक्र में नहीं पड़ना है, मुझे तो अब 84 वैष्णवों की तरह आप कुछ वरदान दो कि मेरा उद्धार हो जाए और मैं भगवत धाम को कम से कम भगवत लीला को प्राप्त हूं, और उससे पहले भगवत लीला का अनुभवन अपने इस प्रत्यक्ष जीवन में साक्षात अपने इन चक्षु चर्म चक्षुओं से करके और अपने को भजनानंद का अधिकारी मानूं। मैं आप सबों को इस पूरे लॉकडाउन सीरीज के फलस्वरूप एक ही वस्तु कहना चाहूंगा, आप, आपके गुरु और आपके ठाकुर जी, ये तीन ही व्यक्ति हैं कि जिन लोगों के बीच में ये पूरी आपके जीवन की भागवत बनी हुई है। आपके जीवन की भागवत के व्यास आप खुद हो, जितना चाहिए विस्तार करो, आप अपने जीवन की भागवत के सुखदेव जी आप खुद हो, खुद उस फल को चखो और उसको अमृतमय बनाने का प्रयास करो, उसको शुकामृत आप खुद करो, और आप उसमें जहां चाहो वहां अपने प्रभु के रूप में अपने गुरु को आविर्भूत करके अपनी भागवत को और भगवनमय और आनंदमय बना सकते हो। अपन भक्तों का ही नाम संस्कृत में भागवत है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्म्यांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदिन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि, ये सब परम भागवत लोग हैं। हम भी भगवत भक्त होने के कारण भागवत हैं, हमारा जीवन भी अपने आप में एक भगवत शास्त्र है। यदि उसमें ठाकुर जी घर विराज रहे हैं, गुरु अपने माथे विराज रहे हैं और हमारे गले में कंठी और माथा पे ऊर्ध्वपुंड तिलक है, तो हम भी अधिकारी भागवत जी के ही हैं, क्योंकि भागवत का महात्म्य ही 6 अध्यायों में अपने को बता देता है कि 3 अध्याय अभिष्ट प्राप्ति भक्ति रूपाख्यान और 3 अध्याय अनिष्ट निवृत्ति गोकर्णोपाख्यान धुंधुकारी मोक्ष। अपने अंदर एक गोकर्ण भी है, अपने अंदर एक धुंधुकारी भी है, अपने अंदर भक्ति भी देवी भी विराज रही है, अपने अंदर ज्ञान वैराग्य भी है। बस आप कभी नारद जी को पधरा लो, कभी सनकादि ऋषि को पधरा लो, कभी सूर्य देव को पधरा के उनका रोध करके उनको पूछो कि इसका उद्धार कैसे होगा, और वो अपने ज्ञान के प्रकाश से आपको प्रकाशित करें। उस प्रकार के सूर्य आपके जीवन में भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड साक्षात श्री महाप्रभु जी हों, और श्री गोसाई जी की वाणी के द्वारा आप सबका जीवन खूब भगवत रस से आप्लावित रहे। बस इन्हीं शुभ आशीर्वाद शुभकामना और शुभाशय से मैं आपका एक शुभेच्छुक गोस्वामी ये गोविंद राय नामधारी देह के साथ आपको मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि आपके दैन दिन जीवन के लौकिक जगत में भी प्रभु आपको सर्वाधिक ऊंचाइयां इस कोरोना के बाद या ये COVID-19 के विश्व से हम निवृत्त हों, उसके बाद जब हम पुनः अपने काम धंधे पे लगें तो अपने को वापस वही ऊर्जा वही स्फूर्ति वही चेतना ठाकुर जी प्रदान करें, क्योंकि अपन अपने काम धंधा भी अपने लिए नहीं करते, अपन अपने प्रभु की सेवा के लिए ही अपने सारे लौकिक का भी संसाधन करते हैं। इसी कारण से पुष्टि मार्गीय भक्त का संसार उसके भगवत सेवा और भक्ति में अनुकूल होता है। तो आपका संसार क्योंकि भगवनमय है, आपका संसार क्योंकि भक्तिमान है, आपका संसार क्योंकि भगवनमय है, मैं आपको यही कहता हूँ कि जब आप संसार में वापस, आज परिस्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति वापस फ्रॉम बैक टू स्क्वायर वन और यूं समझो A to Z वापस स्टार्ट कर रहा है अपने आप को, तो इस आपके नवीन स्टार्टिंग में आपकी लाइफस्टाइल में आपको ठाकुर जी खूब यश प्रतिष्ठा प्रज्ञा और अपनी भक्ति का दान करें, और आप सब जब कल से वापस पूर्ण रूप से अपने आप को रीबिगिन करो तो आपको कहीं कोई अड़चन ना आए, एक गुरु की हैसियत से आपको मैं ऐसे शुभ आशीर्वाद भी देता हूँ।